हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित माना गया है। इस दिन लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार का व्रत करना सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा आराधना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, साथ ही भोलेनाथ की कृपा से कष्ट भी दूर होते हैं। लेकिन सोमवार का व्रत करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो कि बेहद जरूरी है। ज्योतिष के अनुसार सोमवार व्रत के दौरान कुछ गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि इन गलतियों के कारण आपको व्रत का शुभ फल नहीं प्राप्त होगा। ऐसे में चलिए जानते हैं कि सोमवार व्रत के दौरान आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले सोमवार व्रत के नियम जान लेते हैं। आपको बता दें कि सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर घर में या आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल से अभिषेक करना चाहिए। जलाभिषेक के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। सोमवार के व्रत में एक ही समय भोजन करना चाहिए। इसके अलावा इस व्रत में आप फलहार भी कर सकते हैं। अब आपको शिव जी के पूजन में क्या गलतियां नहीं करनी है ये जान लीजिए। भगवान शिव की पूजा में अभिषेक के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दूध से अभिषेक करने के लिए तांबे के कलश का इस्तेमाल ना करें। तांबे के पात्र से दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और चढ़ाने योग नहीं रहता। शिव जी की पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं। आखिर में जल चढ़ाने से ही जलाभिषेक पूरा माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली और सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवजी की पूजा में चंदन के तिलक का इस्तेमाल किया जाता है। सोमवार व्रत के दौरान इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा न करें। परिक्रमा के दौरान ध्यान दें कि जिस जगह से दूध बहता है वहां रुक जाएं और वापस घूम जाएं। इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं देनी है। और हमेशा याद रखें कि सोमवार व्रत के दौरान आपको व्रत कथा जरूर सुननी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।